जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये स्क्रीन पे आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिख रहा होगा। और ये जो आप लोगों का सवाल पूछा गया है 25 जनवरी 2023 शिफ्ट वन में पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान सवाल आया था। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको समझिए और स्क्रीन को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और अगर इसको हम लोग टी मान के डेरिवेटिव कर दें तो ऊपर वाला हमारा 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं, लेट हम लोग करेंगे t बराबर हम लोग एक्स स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। तो dt इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 2x आ जाएगा और x का dx हो जाएगा। यहां तक कर देना था, और यहाँ के बाद आपको जो करना है लिमिट चेंज कर देंगे। लिमिट चेंज जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल रहे तो लिमिट को चेंज करके ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिमिट हमारा 0 है और 2 है, और ये एक्स का लिमिट है, हमको क्या बदलना है, टी के लिमिट में बदलना है, ठीक है। एक्स का जो लिमिट है उसको हमको टी के लिमिट में हमको सारा चेंज कर देना होगा, क्योंकि हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो एक्स बराबर 0 रखेंगे तो टी का वैल्यू भी 0 आएगा। कहां को रखना है, जहां पे हम लोग माने हैं एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब यहाँ के बाद एक्स बराबर अगर हम 2 मान लें तो टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम सारे क्वेश्चन में हम इसको उठा करके रख देंगे, देखिएगा आप समझिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन में रखने वाले हैं इसको, जैसे क्वेश्चन में रखेंगे तो लिमिट मेरा 0 हो गया और 2 का हमारा 4 हो गया, और ये वाला आप लोग देख रहे होंगे कि 2x dx, तो 2x dx की जगह पे हम लोग क्या मान लिए हैं, dt आ गया हमारा, और नीचे जो आया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का वैल्यू t, तो t प्लस 1 हो गया, और यहाँ के बाद t प्लस 3 हो गया, ठीक है। यहां तक कर देना था, यहाँ के बाद देखिएगा और समझिएगा, बड़ा आसान है। अब यहाँ के बाद आप लोग समझिएगा और देखिएगा, यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते थे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका नीचे वाला का ऊपर आप लोग डिफरेंस ले लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि जेईई मेन का एग्जाम है तो हम लोग को उतना टाइम है नहीं कि पार्शियल पे हम लोग तोड़ेंगे, डायरेक्ट ये बन सकता है। तो डायरेक्ट ही हम लोग इसको डिफरेंस ले लेंगे, इसका डिफरेंस जैसे आप लीजिएगा यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा कट जाएगा, यहाँ पे टी प्लस 1 है और यहाँ पे t प्लस 3 है, देखिएगा और समझिएगा, बड़ा आसान सवाल था। अब यहाँ के बाद जैसे डिफरेंस लेंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि t t तो यहाँ पे कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 तो ऊपर बच गया लेकिन हमको लाना था यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना भाग कर देंगे, क्योंकि मैथ का नियम है कि जितना से गुना करें उतना से भाग करें, तो 1/2 मेरा एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए 0 to 4, अब जैसे अलग अलग करिएगा तो ये वाला जो होगा आपका यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टी प्लस 3 और टी प्लस 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/t+1 आ जाएगा, माइनस में ये t+1 कटेगा तो 1/t+3 हो जाएगा, ठीक है, इनटू में हमारा dt आ जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए 1/2 1/x का, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है log x होता है, तो इस फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ देंगे, ये मेरा log t+1 आ जाएगा और माइनस में जो आ जाएगा माइनस में log t+3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ के बाद आप लोग देखिएगा 1/2, देखिए log जब हमारा माइनस में रहता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो t प्लस क्या आ जाएगा मेरा t प्लस 1 आ जाएगा बटा में t प्लस 3 हो जाएगा। अब हमको क्या कर देना है, अपर माइनस लोअर हमारा लिमिट रख देना है, 0 से 4 है लिमिट, तो 1/2। अब देखिए यहाँ के बाद 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग मेरा जो आ जाएगा 5/7 आ जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो यहाँ पे लॉग 1/3 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे कि लॉग जैसे यहाँ पे माइनस में है तो लॉग माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5/7 इनटू डिवाइड में जैसे करेंगे तो ये लग 3 ऊपर चला जाएगा बट्टा में 1, यहाँ पे 1/2 लॉग कितना हो जाएगा बाबू, 5 × 3 = 15 हो जाएगा बट्टा में 7, तो ये आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ हम थोड़ा सा इसको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, नहीं तो अगर आप लोग जेईई मेन का एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप को काटना भी पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से कोई और नेक्स्ट वीडियो में।